अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम कुछ ऐसा बोलने जा रहे हैं जिससे आपके पैरों तले की जमीन खिसक सकती है। एक सरकारी ऑडिट के जरिए सरकार तक यह रिपोर्ट पहुंच गई है, जिसमें सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों की आड़ में बहुत से ऐसे अपात्र किसान हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ अपात्र होते हुए भी उठा लिया है। अगर आप भी इस वीडियो को राजनीति के तौर पर देख रहे हैं या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के हिसाब से देख रहे हैं तो अपनी सोच और समझ को एक साइड रख दीजिए, क्योंकि ये वीडियो न किसी के समर्थन में और न किसी पार्टी के विरोध में। किसी भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति विशेष के ऊपर हमने इस वीडियो में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है। केंद्र सरकार की इस योजना में करोड़ों रुपए का घपला हो गया है और हैरत की बात यह है कि किसी को इसका पता तक नहीं चल सका है। एक राज्य की अगर हम बात करें जहाँ सरकारी ऑडिट के जरिए पता किया गया, जब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस योजना के पात्र नहीं थे फिर भी लाभ लेते रहे, या तो सिर्फ एक राज्य की तहसील का मामला है। देश में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ इतनी तहसीलों में ना जाने कितना गड़बड़ घोटाला हुआ होगा किसानों के नाम पर। वैसे तो इस योजना का मकसद था गरीब या छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना था। आपको और भी हैरानी होगी, जहाँ कुछ मृतक किसान जो मर चुके हैं उनको भी इस योजना में पात्र बना दिया गया और उनको लपक के पैसा दिया गया। बहुत से ऐसे किसान भी थे जो पहले से पेंशनधारी योजना का लाभ ले रहे थे, उन्हें भी फायदा पहुंचाया गया। कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे जो अपात्र होते हुए भी मजे से इस योजना का पैसा लेकर डकार गए। अब बात करते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या आयकर दाता है, वो भी इस योजना का लाभ बेखौफ ले रहे थे। अगर आप भी इनमें से हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि पिछले साल केंद्र सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर और तहसीलदारों को ऐसे अपात्र किसानों से वसूली करने की कमान सौंपी है। जहाँ कुछ राज्यों में ऐसे अपात्र किसानों को तहसील से नोटिस आना शुरू हो गए हैं इनसे वसूली करने के लिए। अब सरकार भी इस असमंजस में है कि वसूली का जो पैसा है वो किसानों से लिया जाए या फिर सरकारी अधिकारी जो इस योजना में शामिल थे उनसे लिया जाए। सरकार ने इसी मकसद से KYC करवाना अनिवार्य किया था इस योजना में। आगे कोई नहीं जानता कि सरकार क्या कदम उठाएगी। कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। क्या आपको भी ऐसा नोटिस मिला है कि आप इस योजना के लिए अपात्र हैं और आपके खाते में गलती से पैसा डल चुका है और आपको यह राशि लौटानी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसानों के समर्थन में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।